ओम शांति। जैसे कि ये जनवरी मास चल रहा है, जिसको अव्यक्त मास भी कहते हैं, तपस्या मास भी कहते हैं और इसको वरदानी मास भी कहते हैं, ऐसे इस अव्यक्त मास में परमात्मा हम बच्चों को जो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और दिव्य बनाने के लिए परमात्मा के ऐसे ही अव्यक्त महावाक्य भी हम बच्चों के प्रति रहते हैं। तो आज हम सभी परमात्मा के उन्हीं अव्यक्त महावाक्यों में, आज का विशेष महावाक्य है 10/1/2021 के अव्यक्त महावाक्य है, जिसकी रिवाइज कोर्स है 9/10/87 के, जिसमें प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को सुनाया अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। कौन सा समाचार बाबा सुनाने जा रहे हैं हम बच्चों को? अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। एक होता है लौकिक, लौकिक अर्थात इस दुनिया का समाचार, और दूसरा होता है अलौकिक, अलौकिक अर्थात रूहानी, हमारी आत्मा के प्रति, जो बाबा आज हम बच्चों को सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा इस धरा पर आया है किस लिए? हम आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए। और वो श्रृंगार भी कैसे कर रहा है? प्रतिदिन हम बच्चों को ये श्रेष्ठ महावाक्य सुनाकर ज्ञान और योग से हम आत्माओं को श्रृंगार रहा है, जिसमें आज परमात्मा के विशेष पॉइंट हैं कि ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता। आज सबसे पहले बाबा अपने बच्चों को सभा में किस स्वरूप से देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं कि हमारे सभी बच्चे क्या हैं? राजा बच्चे हैं। हमारे सभी बच्चे कौन हैं? स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। स्वराज्य अधिकारी माना ही जो स्वयं पर राज्य करना जानता हो। आज दुनिया में एक दो पर राज्य सब कर लेते हैं, एक दो पर शासन सब चला लेते हैं और उसमें बहुत प्रवीण भी हैं, लेकिन जहाँ स्वयं पर स्वयं का राज्य करने की बात आती है तो उसमें हम बहुत सारे प्रश्न क्रिएट करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना तो नहीं कर सकते, इतना तो नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा कहते, बच्चे तुम्हें सबसे पहले स्वयं पर ही राज्य करना आना चाहिए, जिसके लिए बाबा ने स्वामान ही आज का दिया है कि तुम सभी कौन हो? स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो, जिनको संपूर्ण अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना आना चाहिए। तो संपूर्ण कर्म इंद्रियां अर्थात, जिसमें बाबा ने विशेष रूप से हमारी ये मन, बुद्धि और संस्कार, जो तीनों मुख्य रूप से कार्य करते हैं, परमात्मा ने कहा बच्चे सबसे पहले तो इन पर राज्य करना सीखो। तो इन पर जब राज्य करेंगे तो बाबा ने कहा तब तुम क्या बन जाएंगे? स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। और जब स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे तो बाबा ने कहा तो तुम्हारा यह चेहरा ही क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। और वो दर्पण भी कैसे बनेगा? तो बाबा ने कहा कि जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी, जैसी तुम्हारी स्थिति होगी, और वही स्थिति तुम्हारा, बाबा कहते, तुम्हारे चेहरे का दर्पण बन जाएगा। तो आज बाबा ने स्वयं की वृत्ति और स्थिति के ऊपर भी हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया, क्योंकि हम तो सोचते हैं हमारा बाह्य स्वरूप बहुत अच्छा है, ऊपर से सब ठीक समझ में आता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे सबसे पहले अपनी वृत्ति पर भी फुल अटेंशन रखना है।
क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी स्थिति होगी, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा ही ये चेहरे रूपी दर्पण से सब कुछ स्पष्ट होते जाता है कि अंदर की स्थिति हमारी क्या है, स्नेह की है कि नफरत की है कि घृणा की है, कैसी स्थिति है वो हमारे चेहरे रूपी दर्पण से स्पष्ट हो जाता है। दूसरा बाबा ने सुनाया कि हम सभी कौन हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा अपने सभी बच्चों को क्या कहता है, तुम सब हमारे कौन हो, ब्राह्मण बच्चे हो। तो ब्राह्मण माना ही क्या, तो कहते ब्राह्मण माना ही जो ब्रह्मा तन में आए हुए उस निराकार परमपिता परमात्मा को पहचान लेते हैं और उसके सत्य ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखते हैं, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। आगे बाबा ने सुनाया, सदा सहज योगी जीवन, स्वतः योगी जीवन स्थिति। तो कैसे बनेगी हमारी ये सहज योगी जीवन, या यूं कहें स्वतः योगी जीवन, ये सहज भी हो और स्वतः ही भी हो। तो बाबा कहते ये दोनों ही स्थिति हमारी कैसे बने, तो बाबा कहते इसमें सभी बच्चे एक समान नहीं हो पाते, जिसके लिए बाबा क्या कहते नंबरवार हैं। तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है, स्वतः योगी जीवन सहज योगी जीवन बन जाती है, तो बाबा कहते ये ऐसे नंबर वन स्थिति है जो हमें स्वराज्य अधिकारी बनाती है। आगे प्यारे बाबा ने सुनाया, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या कहा बाबा ने, एक बाप ही संसार है, या और क्या कह सकते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। जब बाप ही संसार है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। बाबा पूछ रहा है कि जब तुम इतने फलक से कहते हो, इतने नशे से कहते हो कि बाबा ही मेरा संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाबा कहते फिर तो स्वतः और सहज योगी जीवन बना ही हुआ है, या बाबा कहते बनाना पड़ेगा, क्या कहेंगे, बना ही हुआ है। एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी क्या। बुद्धि तो तब कहाँ जाएगी जब बीच में कोई तीसरा मिक्सअप होगा। अब वो तीसरा कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कहीं और किसी चीज का आकर्षण भी हो सकता है। तो बाबा कहते अगर मार्जिन ही नहीं होगा तो फिर तीसरा उसमें आएगा भी नहीं। तो बाबन का एक बाप ही जब सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी, जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। तो बाबा कहते अब अभ्यास का समय नहीं है, अभ्यास तो हम तब करते थे जब हमें इस चीज को हम जीवन में उतने आगे लेकर नहीं चले थे, या इतना हमारे जीवन में ज्ञान की धारणा नहीं थी, तब हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाबा कहते जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हर चीज को समझ चुके हैं, जीवन में धारणा रूप भी बन चुके हैं, तो बाबा कहते अब अभ्यास की जरूरत नहीं है, अब तो नेचुरल बाबा कहते वो हमारा नेचर हो जाना चाहिए। आगे बाबा ने विशेष पॉइंट सुनाया, स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है,
जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। बाबा कहते आपका चेहरा ऐसा हो जो उसको देखकर ही अनेक आत्माएं क्या कहें कि इन्हों को लगता है जैसे कुछ विशेष कुछ मिला हुआ है, हमसे कुछ अलग मिला हुआ है, कुछ अधिक मिला हुआ है। तो बाबा कहते हमेशा आपका चेहरा कैसा हो, प्राप्ति स्वरूप का चेहरा हो। आगे बाबा ने इस पर और भी सुनाया कि ये कोई ना कहे कि ये कितना त्याग करके बैठे हैं, इनकी मंजिल बड़ी ऊंची है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा कहते नहीं, किसी के मुख से आपके मेहनत वाले शब्द ना निकले। कौन सा शब्द निकले, ये तो विशेष प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जरूर इन्हें कुछ विशेष प्राप्ति हो रही है। आगे बाबा ने सुनाया, अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया है कि ये संगम का समय अनमोल समय है, विशेष समय है, जिसमें परमात्मा कहते बच्चे ये सिर्फ संगम युग नहीं है, इसको और क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जबकि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने के लिए आया है, हमारा श्रेष्ठ भाग्य कैसे बने वो विधि सिखाने के लिए आया है। तो परमात्मा कहते बच्चे जो करना है अभी कर लो, अब नहीं तो कब नहीं, जो पाना है अभी पालो, फिर वो समय नहीं होगा। अब ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे, और जो इस धोखे में रहेंगे, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, करना ही है, पहुंच ही जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे गे गे करने वाले बच्चे कभी भी अपने मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये समाप्ति का समय है, ये संगम का विशेष समय है, इसलिए जो करना है अभी कर लो। आगे बाबा के इशारे हैं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। दूसरा कोई मदद करे तब हम चले, दूसरा कोई हमें इशारा दे तब हम करें, बाबा कहता नहीं। बाबा ने कहा तुम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो, स्वयं पर राज्य करने वाले अधिकारी बच्चे हो, तो इतने बड़े ऊंचे से ऊंचे अथॉरिटी परमात्मा बाप तुम्हारा मददगार बना है, तो बाबा कहते और किसी की मदद की जरूरत है क्या। जब स्वयं भगवान ही हमारा मददगार बन गया, जब वो स्वयं मदद करने के लिए हजार भुजाओं से हमारे सन्मुख होता है, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनकर करना है, सिर्फ अधिकारी बनकर करना है, उसके लिए बाबा कहते किसी अन्य की जरूरत नहीं है। आगे बाबा ने सुनाया, आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। कैसे आगे बढ़ेंगे, ब्राह्मण तो बन गए, बाप के बच्चे तो कहलाने लगे, ईश्वरीय परिवार में तो शामिल हो गए, निमित्त तो बन गए, लेकिन बाबा कहते और आगे कैसे बढ़ें, आगे से आगे हम कैसे बढ़ें। तो बाबा ने क्या कहा, उसके लिए कौन सा अभ्यास करना है, सहज योगी और स्वतः योगी बनने के लिए। तो बाबा कहती है सहज योगी और स्वतः योगी कैसे बनेंगे, जब स्वयं को सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाएंगे। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों को सब कुछ देने के लिए आया है, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए आया है। तो बाबा कहते बच्चे फिर लेने में देरी क्यों,
जब देने के लिए बाप आया है तो बाबा कहते बच्चे उसे भी उसी रूप से तुम प्राप्त करके अपने को सर्वगुण संपन्न बनाओ। और आज आगे बाबा ने सुनाया, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। स्वदर्शन अर्थात बाबा कहते स्वयं का दर्शन करना, अपने आदि स्वरूप, अपने मध्य स्वरूप और अपने इस ब्राह्मण स्वरूप को सदा जीवन में बाबा कहते स्मृति स्वरूप में रखना। जब अपने उस स्वरूप को स्मृति में हम रखते हैं तब हम उड़ती कला में जा सकते हैं। उड़ती कला अर्थात बाबा कहते श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति बाबा कहते तभी बन सकता है जब हम सदैव अपने को बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी समझेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी समझेंगे, तो हमारी स्थिति सदैव श्रेष्ठ बनती जाएगी। आगे बाबा के विशेष पॉइंट है, जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देहभान ना हो, देहभान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। बाबा पूछ रहा है कि फरिश्ते बन गए, राजयोगी बन गए, क्योंकि बाबा ने पहले ही सुनाया है कि फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थ से कोई भी रिश्ता नहीं है, वो है फरिश्ता। तो बाबा कहते कार्य में तो आएंगे, संबंध में तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते उसमें लगाव नहीं होगा, क्योंकि लगाव क्या करता है, हमारी स्थिति को नीचे ले आता है। तो इसलिए बाबा कहते सदैव हर कार्य करते हुए अपनी स्थिति को कैसे रखना है, फरिश्तों के समान, लाइट स्थिति और माइट स्थिति, न्यारा और प्यारा, कमल फूल के समान। आगे बाबा ने सुनाया, योगी बनना अर्थात बाप और मैं तीसरा ना कोई। योगी अर्थात बाप और मैं तीसरा ना कोई, क्योंकि बाबा कहते अगर तीसरा आया फिर तो कनेक्शन कट गया ना। तो इसलिए बाबा कहते सदैव ये लक्ष्य रखो कि यदि मुझे सच्चा योगी जीवन बनाना है, सच्चे योगी जीवन का आनंद लेना है और सच्चे योगी जीवन की प्राप्ति का अनुभव करना है, तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं। एक होता है हद के मालिक और दूसरे हैं बेहद के मालिक। तो हद के मालिक अर्थात बाबा कहते इस स्थूल दुनिया के मालिक, और बेहद के मालिक अर्थात बाबा कहते जिनको तुम इन आँखों से देख नहीं सकते हो, तो बाबा कहते उसके तुम मालिक बने हो। बेहद का अधिकार मिल गया, इस खुशी में रहो। परमात्मा हम बच्चों को मिला, उसकी सर्वगुण सर्व शक्तियों के हम अधिकारी बन गए, तो बाबा कहते और क्या चाहिए। तो बेहद माना ही अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, परमात्मा देता जा रहा है और हम आत्मा उससे अपने आप को भरपूर बनाते जा रहे हैं। तो जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। जब सब कुछ बेहद में मिल रहा है तो बाबा कहते खुशी भी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, बाबा का बेहद की होनी चाहिए। नशा भी कैसा हो, बेहद का हो। उमंग उत्साह भी कैसी हो, बेहद की हो। बाबा कहते क्यों, क्योंकि बेहद का बाप मिला है, बेहद की प्राप्ति कर रहे हो। आगे बाबा के आज महावाक्य में विशेष बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है,
जबकि हम कभी सोचते थे कि कब भगवान आएंगे और हमें एक वरदान देंगे। और आज परमात्मा प्रतिदिन हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं, हम बच्चों को वरदानी दृष्टि देते हैं और सदैव वरदानी हस्त हमारे ऊपर रखते हैं। तो आज ऐसे प्यारे बाबा का वरदान है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। क्या वरदान दिया आज प्यारे बाबा ने कि रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। स्पष्ट किया बाबा ने, कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाली, कैसी भी आत्मा, बाबा ने कहा चाहे वो सतोगुणी हो या तमोगुणी हो, बाबा ने क्या कहा, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं। कि बाबा कहते कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा ना हो, क्योंकि जानते हैं यह अज्ञान के वशीभूत हैं, बेसमझ हैं। कहेंगे ये तो ज्ञानी आत्मा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे इस समय वो ज्ञान के आधार पर नहीं चल रहा है, इस समय उसकी बुद्धि तमोगुणी हो गई है, अज्ञानता के वश हो गई है, इसलिए वो बेसमझ है। तो बाबा ने कहा उनके ऊपर रहम व स्नेह आई, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया। जो शुभ चिंतक आत्मा होगी, भले सामने वाली आत्मा से कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, छोटी बड़ी जो भी, तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो कभी ये प्रश्न नहीं लाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। ये ऐसा क्यों किया, बाबा कहते इसके बदले उस आत्मा का कल्याण कैसा हो। जब इस विषय पर हम ध्यान देते हैं तब हमारी स्टेज कौन सी होती है, शुभ चिंतक स्टेज, जिसको बाबा कहते कारण कुछ भी आ जाए लेकिन आपको निवारण स्वरूप बनना है, कारण को निवारण रूप में परिवर्तित करना है। आगे बाबा के स्लोगन है आज के, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूरत बनो। तपस्या अर्थात परमात्मा से जो शक्ति हम बच्चों को मिलती है वो किस आधार पर मिलती है, तपस्या के आधार पर, योग के आधार पर। जितना जितना हम आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होते रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, उतना ही परमात्म शक्ति हम आत्माओं को सहज और स्वतः मिलती रहती है, जो हर कार्य में हमें मददगार बनती है। जो बाबा कहते कैसा भी असंभव कार्य होता है वो भी संभव हो जाता है, जिसके लिए बाबा ने आज कहा असंभव को संभव कर हम सफलता मूरत बन जाते हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा के आज ये प्यारे महावाक्य से कुछ प्यारे प्यारे सी पॉइंट्स विशेष रूप से आप सभी के सामने रखा गया है। तो ऐसे तो बाबा के संपूर्ण महावाक्य ही हम बच्चों के लिए विशेष होता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अपने मनन चिंतन के लिए, अपनी स्थिति को
सदैव एक रस बनाने के लिए सारे दिन के लिए हम किस स्वामान किस स्थिति में रहें, तो ये विशेष बाबा के कुछ चुने हुए पॉइंट्स हैं इस महावाक्य के द्वारा, जो हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाने वाला होता है, हमारे जीवन को दिव्य बनाता है और अलौकिक बनाता है। तो ऐसे प्यारे महावाक्य बाबा के हम बच्चों के प्रति रहते हैं, जिससे हम बच्चे भी जल्द से जल्द बाप समान स्थिति को बनाने में सफल हो सके। अच्छा, ओम शांति।